मेरे नंबर नहीं आए, लेकिन शायद यहाँ पे इस स्टूडेंट ने मुझे देखा, मैंने एग्जाम दिया, नो डाउट अच्छा नंबर रहा होगा, तभी सर ने यहाँ पे एडमिशन भी मुझे दिया। तो सबसे पहले मुझे यहाँ अपॉर्चुनिटी मिली कि नहीं, मेरे अंदर कुछ है, आई कैन डू समथिंग। दो चीजें, नथिंग इज इम्पॉसिबल एंड द टाइम यू हैव स्पेंट विल नेवर कम बैक अगेन। आज आप यहाँ बैठे हुए हैं तो मैं भी अपने आप को फील कर रहा हूँ, पीछे मैं भी बैठा था, जैसा अभिनीत सर ने बताया कि मैं भी बैक बेंचर रहा स्कूल में, कभी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया किसी चीज में। बहुत जरूरी है, जैसा सर ने भी बताया कि आप लोग यहाँ पे आके क्लास में प्रैक्टिस करिए। तो हम लोग क्या करते थे कि जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था तो हम लोगों ने सेम ब्रांचेस, जैसे वहाँ कंप्यूटर साइंस आईटी अलग अलग रहता था, तो हम लोगों ने ग्रुप फॉर्म कर लिया, जो हम लोग एक जैसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के कि हम लोगों ने एक साथ हॉस्टल भी अलॉट कर लिया, साथ रहने भी लगे। उसके बाद क्लासेस में जब टीचर चले जाते थे, जो डाउट्स नहीं समझ में आते थे, हम लग बोर्ड पे आते थे, किसको समझ में आया ग्रुप में, वो बोर्ड पे आ जाता था और हम लोग को समझाना शुरू कर देता। यहाँ से कॉन्फिडेंस पोडियम का डेवलप होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। उससे क्या होता है, जब आप दूसरों को पढ़ाते हैं, अपने फ्रेंड्स को ही पढ़ाते हैं, या जैसे सर ने बोला कि फैकल्टीज को ही आप क्लासेस ले सकते हो, वो भी बहुत अच्छी चीज है, हमारे टीचर्स भी बुला देते हैं, तो उससे कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। जब आप किसी को कोई चीज़ पढ़ा देते हैं एक बार में, तो आपके कॉन्सेप्ट में आते हैं, ये बहुत जरूरी चीज है। सर लोगों ने तो आपको बताया प्राइवेट सेक्टर, मैं आपको गवर्नमेंट सेक्टर का भी एक रास्ता है आपके पास। एमसीए सिंपल ग्रेजुएट तो है ही है, लेकिन बैंकों में भी डिमांड है एमबीए और एमसीए और आईटीआई कॉलेज, बहुत डिमांड, क्योंकि लोग वहाँ पे मैं देख रहा हूँ उस लेवल के नहीं आ रहे, क्योंकि सिंपल ग्रेजुएट्स ही या फाइनेंस सेक्टर के लोग जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जरूरत मार्केटिंग की भी है, एचआर की भी है, और एक इंजीनियर या एमसीए की जो है प्रोग्रामर की भी जरूरत है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि डिजिटलाइजेशन मोदी जी ने बहुत तेज़ी से किया है पिछले 8 सालों में। उस हिसाब से हमारी जो गवर्नमेंट बैंकें हैं वो उस पीस में नहीं आ पा रही हैं प्राइवेट सेक्टर, तो हमें एमसीए की भी बहुत ज़रूरत है वहाँ पे। आप जैसे लोगों, आप शायद यहाँ पे बैठे हैं, तो एक टारगेट आप उसको भी बना सकते हैं, बहुत इजी है। अगर आपको लगता है कि कंपटीशन, मैंने भी बीट किया, जैसा मैंने बताया कि मैं पढ़ने में बहुत तेज नहीं था, इसको ये मत सोचिए आप तेज नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। मेरे फादर मुझे स्कूल में यही दो चीज़ें बोलते थे, नथिंग इज इम्पॉसिबल, किसी ब्रिलियंट या जो फर्स्ट आता है उसके दो दिमाग नहीं है, ओनली वो मेहनत ज़्यादा करता है, और शायद वही मैंने अपने स्कूल डेज में नहीं किया, और जो समय चला गया, मैं एक साल फेल हुआ, मुझे आज भी पछतावा होता है, क्योंकि आप जब कहीं पहुंचते हैं तो आप एक साथ जूनियर हो गए अपने ही एज वालों से, ये बहुत जरूरी है। और दूसरा एक चीज़ है मैं आपको बताना चाहूँगा, जो एमबीए में है खासकर उनके लिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फिनांस एक संस्था है जो सारे बैंकरों द्वारा ही चलती है, मीन्स जितने भी गवर्नमेंट बैंक है या प्राइवेट बैंक है उन्हीं के द्वारा स्थापित है। आप उनसे सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, खासकर एमबीए वाले, ये किसी को पता था इसके बारे में, आईएबीएफ के बारे में नहीं पता है। मैंने उससे 11 सर्टिफिकेशन में कर चुका हूँ, उसमें सबसे पहले आप जीआईबी सीआईबी अगर कर लेते हैं तो आप कहीं भी जाएंगे तो आपका सीवी बहुत स्ट्रांग होगा, क्योंकि इसका जो एफिलिएशन है और इसका जो नाम है वो पूरे वर्ल्ड में है, पूरी जगह इसकी मान्यता मिलती है, और एमसीए वाले उसमें आईटी के कोर्सेज कर सकते हैं, वो हर 3 महीने पे 4 महीने पे 6 महीने पे होता है। अभी तो रिमोट प्रॉक्टर कॉल मतलब घर से भी आप दे सकते थे, लेकिन शायद उन्होंने अभी बंद कर दिया, सेंटर पे कर दिया। तो बेसिकली मैंने भी ढेर सारे किए, मैं बैंकिंग में तो आ गया, लेकिन मेरा आईटी का जो प्यार था वो छूटा नहीं, तो अभी भी मैं कंप्यूटर के सर्टिफिकेशंस उसमें करता रहता हूँ, क्योंकि मेरा एम है कि मैं आईटी का जनरल मैनेजर बनूँ अपने बैंक का। तो एम आपके पास होना चाहिए, आप लोग एक एम लेके आए होंगे कि आपको कुछ बनना है, तो आप उसको पैशन में कन्वर्ट करिए, जैसे मैंने पैशन में अपनी एम को कन्वर्ट किया कि नहीं मुझे इंजीनियरिंग में जाना है, भले ही उस समय 2008 की मंदी आई, नहीं हो पाया किसी भी कारणों से, बहुत सारे फैक्टर होते हैं आप वहाँ नहीं पहुँच पाते, लेकिन आप अपने पैशन को जिंदा रह सकते हैं कहीं भी जाकर।
उस पैशन को खत्म मत होने। आज भी मैं मेरे मोबाइल पे नोटिफिकेशन जो आते हैं ज्यादातर आईटी के आते हैं, क्योंकि गूगल उसको कस्टमाइज करता है। आप किस मैसेज को ज्यादा पढ़ रहे हैं उसको एसईओ बोलते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आप लोग जानते होंगे। तो आपके नीड के हिसाब से होता है। तो अगर आपको जानना है कि आपका पैशन क्या है तो आप गूगल खोल लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आप क्या चीज़ों के न्यूज ज्यादा पढ़ते हैं, क्या चीज़ों के कम पढ़ते हैं। पैशन को अपने अंदर जिंदा रखिए। जैसे गिटार था वो भी मेरा शौक था सीखने का, सीख नहीं पाया, शायद मिलू इनसे सिखा दे मुझे थोड़ा सा। और दूसरी चीज एक और है कि आप अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटी को कभी भी मिस मत करें। जैसे सर ने बताया 5000 की भी जॉब मिल रही है, 6000 की भी मिल रही है, आप उसको ट्राई करो, शॉर्ट एनालिसिस कर लीजिए, आपको सीखने को मिलेगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, जब मैं तैयारी कर रहा था तो सबसे पहले मेरा सिलेक्शन हुआ स्टेट बैंक ऑफ जयपुर बीकानेर मेडिकल में, और उसी के साथ मेरा हुआ पंजाब नेशनल बैंक चंडीगढ़। 106 किलोमीटर दूर था यहाँ से वाराणसी से, मैं सागरन जाता था और डेली बस जाता था। मेरा इंडियन ओवरसीज बैंक में सिलेक्शन फिक्स था, मुझे पता था मेरा पेपर अच्छा हुआ है तो मैं मैनेजर बनूंगा, मुझे मालूम था। तो मुझे जब 106 किलोमीटर दूर दे दिया, रात में 10 बजे मुझे लेटर दिया कि आपको सागन मिला है, और 106 किलोमीटर ट्रेन देखा, ट्रेन टाइमिंग नहीं था, मैं ऑफिस टाइम पे पहुंच पाया। तो 8 बजे पहुंचा रहा था तो 12 बजे और 10 बजे पहुंचना मुझे ऑफिस। तो मैंने पापा को कॉल किया, बोला मैं ये जॉब नहीं करूँगा, क्लरिकल है वैसे भी मेरा ऑफिसर रहना है, मुझे नहीं करना। तो पापा मेरे वो भी बैंक मैनेजर है, चीफ मैनेजर पोस्ट से रिटायर हुए, उन्होंने एक ही बात बोली, अगर तुम नीचे से काम सीख के आओगे तो ऊपर अच्छा पढ़ोगे। कोई भी बुराई नहीं है कि आप थोड़ा छोटे लेवल का जॉब मिलता है, जो मिलता है सीखिए। क्योंकि आज मैं मैनेजर हूँ तो क्लेरिकल्स को मैं सुपरवाइज करता हूँ, अगर मुझे पता ही नहीं रहेगा वो काम क्या कर रहे हैं तो मैं कैसे सुपरवाइज करूँगा। एक मेरी अच्छी बॉन्डिंग उनसे बनती है, क्योंकि मैं भी बोलता हूँ सर मैं भी यही काम करके आया हूँ आप ही के साथ, तो बहुत अच्छा इंटरेक्शन भी एक होता है, तो ये बहुत जरूरी है। तो बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, आप कोशिश करिए और जरूर आप सबसे कहेंगे नथिंग इज इम्पॉसिबल, कभी भी कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं, इस बात को ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।